बॉलीवुड के मशहूर एक्टर रणवीर कपूर जो एक्टिंग के एक शानदार विरासत के साथ आए हैं। रणवीर ने अपने करियर में कई हिट फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता है और हर बार एक नए किरदार में नजर आए। आज हम आपको उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप जरूर देखना चाहेंगे, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साल 2010 की फिल्म राजनीति की, जो प्रकाश झा ने बनाई थी। इस फिल्म में रणवीर के साथ कटरीना सहित कई बड़े सितारे भी थे। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। फिर आती है इम्तियाज अली की सुपरहिट फिल्म रॉक स्टार, जो 2011 में रिलीज हुई थी। ये रणवीर के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। इसे आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। इसके बाद साल 2012 में आई अनुराग बासु की फिल्म बर्फी का जिक्र करना जरूरी है। इस फिल्म में रणवीर ने गूंगे बहरे का रोल निभाया था, जो दर्शकों को बेहद पसंद आया। प्रियंका चोपड़ा और इलियाना डिक्रूज भी इस फिल्म में लीड रोल में हैं। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं 2015 में आई फिल्म तमाशा की, जिसे फिर से इम्तियाज अली ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में रणवीर और दीपिका पादुकोण लीड रोल में थे। ये भी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। साल 2018 में संजय दत्त के जीवन पर बनी फिल्म संजू ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। राजकुमार हिरानी की इस फिल्म में रणवीर कपूर ने संजय दत्त का किरदार निभाया था। आप इसे हॉटस्टार पर देख सकते हैं। फिर आती है अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट फर्स्ट शिवा, जो 2022 में रिलीज हुई। इस फिल्म में रणवीर के साथ आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन जैसे सितारे भी हैं। ये फिल्म आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। आखिर में साल 2023 में आई फिल्म एनिमल का जिक्र करना नहीं भूलना चाहिए, जिसका निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा ने किया है। रणवीर कपूर की इस हिट फिल्म के बाद फैंस इसके दूसरे पार्ट एनिमल पार्क का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। ऐसी न्यूज से अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को सब्सक्राइब करें।